हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने मैंगो केक की विधि बताने जा रही हूँ। ये देखिए, ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं। तो आइए चलते हैं हम मैंगो केक बनाने की विधि की ओर। आज मैं केक कढ़ाई में बनाना बता रही हूँ। तो मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिया है और उस पर थोड़ी सी रेत डाल दी है। आप चाहें तो इसमें नमक भी यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने स्टैंड रख दिया है और इसे 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लूंगी, थोड़ा गर्म होने के लिए दूंगी, मीडियम टू लो फ्लेम पर। आइए चलते हैं केक बनाने की ओर। मैंने 2 पके हुए आम लिए हैं। अब इसे मैं काट कर इसका पल्प निकाल लूंगी। मैंने मैंगो का पल्प ले लिया है। अब हम इसे मिक्सर जार में डाल देते हैं। इसमें फिर हम आधा कप तेल डालेंगे। और आधा कप चीनी डालेंगे। अब इसे हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। आम को हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें छलनी की सहायता से सबसे पहले 1 कप मैदा डालेंगे। हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। अब इसे हम अच्छे से छान लेते हैं। अब इसे हम धीरे धीरे मिक्स करेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे इसे मिक्स करना है। बैटर हमारा मिक्स हो चुका है। अब हम इसे केक टिन में डालेंगे। मैंने केक टिन ले लिया है। अब इसमें हम पहले हल्का सा तेल डालेंगे। और ब्रश की सहायता से इसे चारों ओर फैला देंगे। फिर इसमें हम हल्का सा मैदा चारों ओर छिड़क लेंगे और इस तरह घुमाते हुए हम चारों ओर फैला लेंगे, जिससे केक नीचे चिपके नहीं। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर भी नीचे रख सकती हैं। अब हम इसमें आम के बैटर को इसमें डाल देंगे। सारा बैटर इसमें डाल देंगे और एक बार केक के टिन को हम इस तरह पटक कर सेट कर लेंगे। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें आम के बने हुए बैटर को डाल देते हैं और इसे कम से कम 25 से 30 मिनट के लिए हमें ढकना है और बीच बीच में इसे चेक करते हुए रहना है। 2 से 3 मिनट तक हम इसे
मीडियम फ्लेम में रखेंगे, उसके बाद हम इसकी फ्लेम लो कर देंगे। 25 मिनट हो चुके हैं, अब हम ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं कि हमारा केक हुआ है या नहीं। टूथपिक की सहायता से हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये आसानी से निकल गया, हमारा केक बन चुका है। अब हम केक को निकाल लेते हैं। सावधानी से निकालिएगा, केक टिन हमारा बहुत ही गर्म है। इसे हमने प्लेट पर निकाल दिया है, अब ये ठंडा हो जाए तब हम इसे पलटेंगे। केक अब ठंडा हो चुका है, अब इसे हम पलट कर निकाल लेते हैं। इस प्रकार करके हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, वाव, केक टिन में हमारा बिल्कुल भी नहीं, ये सटा नहीं है इसमें और जला भी नहीं है। ये देखिए कितना स्पॉन्जी है। अब मैं आपको केक कट कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से ये केक कट रहा है। ये देखिए, बिल्कुल लग रहे हैं ना मार्केट वाले जैसे। तो इसे आप भी बनाइए और बच्चों को खिलाइए और मुझे बताइए कमेंट करके कि ये आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज